नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। आजमगढ़ जनपद से खबर है, जहां माननीय उच्च न्यायालय के आदेश व शासन के निर्देशों के क्रम में धार्मिक स्थलों से कुछ दिन पहले लाउडस्पीकर हटवाए गए थे और जो भी लाउडस्पीकर लगे थे उनकी ध्वनि सीमा कम कराई गई थी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश व शासन के निर्देशों के क्रम में आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने अपने जनपद से जनपद में लगे धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों को हटवाने की क्रिया और कार्रवाई बड़ी तेजी से की थी। उसके बारे में आज क्या कुछ कहा एसपी अनुराग आर्य ने, सुनिए। माननीय न्यायालय के आदेश और शासन के निर्देशों के क्रम में एक अभियान के रूप में सबसे पहले धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित करते हुए जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और थाना स्तर पर जो लाउडस्पीकर लगे हुए हैं धार्मिक स्थलों पर उनको हटाने के लिए अपील की गई, जो बिना परमिशन के लगे हुए हैं। इसके क्रम में 670 लाउडस्पीकर ऐसे हैं जो धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित करते हुए उनकी सहमति से लोगों ने स्वेच्छा से अपने प्रांगण से हटा लिए और लगभग 950 की संख्या लाउडस्पीकरों की ऐसी है जिनकी आवाज़ कम की गई या दिशा परिवर्तित की गई। इसमें लगातार पुलिस की अपील और पुलिस टीमों का गठन करके सभी धार्मिक स्थलों के साथ साथ जितने भी ऐसी जगह हैं, जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो शादी ब्याह में डीजे का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे 7 लोगों के ऊपर पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की गई है और लगातार सभी लोगों को इसके बारे में सचेत भी किया जा रहा है एक अभियान के रूप में कि जो माननीय न्यायालय के आदेश हैं उसके क्रम में ही जो डेसिबल लिमिट है साउंड की, वॉल्यूम की, उससे ज़्यादा किसी भी प्रकार से कोई लाउडस्पीकर या डीजे ना बजाए। इसका उल्लंघन जो भी करेगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी।